हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर में कच्चे दूध का पनीर, तो मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ये लिया है 3 लीटर दूध। इसको पहले उबाल लेते हैं। जब दूध उबल जाएगा तो उसमें एक नींबू का रस काट के डाल देंगे और गैस का फ्लेम कम करके इसको करछी से चलाते रहेंगे। नींबू का रस डालने के बाद ये 5 मिनट में पनीर रेडी हो जाता है। नींबू का रस एक ही साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। देखिए दोस्तों, पानी अलग होने लग गया और पनीर साफ दिखने लग गया। ये ऐसे करछी चलाते रहेंगे और 5 मिनट में ये तैयार हो गया मेरा पनीर। अब इसको छन्नी वाली थाली में कॉटन का कपड़ा रख के इसको छान लेंगे। देखिए इसको मैंने छान लिया। अब इसको थोड़ा ठंडे पानी से धोएंगे ताकि नींबू का स्मेल ना आए। अब इसकी पोटली बना लेंगे और थोड़ा हाथों से इसको ऐसे दबा के इसका पानी निचोड़ लेंगे। अब इसको एक प्लेट में रख के किसी बारी चीज से दबा के रख देंगे। 3-4 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ मेरा पनीर रेडी है कि नहीं। ये मेरा पनीर रेडी है, देखिए कितना अच्छा शेप बना है।